स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में कांग्रेस सदस्यता अभियान की रिसाली प्रभारी सरिता जितेंद्र साहू मुख्य रूप से उपस्थित हुई। यहां उन्होंने सफाई मित्रों का सम्मान कर अभियान में अपनी सहभागिता दी। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा शहर के अनेक स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मां करेला भवानी पर्यटन स्थल में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहां सीढ़ियों में फैली गंदगी और कचरे को साफ किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस सदस्यता अभियान रिसाली की प्रभारी सरिता जितेंद्र साहू मुख्य रूप से उपस्थित हुई। यहां उन्होंने सफाई मित्रों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया, साथ ही सफाई अभियान में शामिल होकर अपनी सहभागिता दी और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर उपस्थित स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू एवं चंद्रकांत कोरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है स्वच्छता ही सेवा है। इन्हीं भावनाओं को लेकर प्रत्येक सप्ताह हम लोग स्वच्छता अभियान संचालित रखते हैं। आज हमारा स्वच्छता अभियान का पहला पड़ाव सिविक सेंटर, जहाँ पे लोग गंदगी कर देते हैं, पानी पाउच बोतल वहाँ पे सफाई किए हैं मॉर्निंग में हमारी पूरी टीम। और एक हमारी टीम जो है सदस्यता अभियान की पूरी टीम करेला भवानी में हम उपस्थित हुए हैं, खैरागढ़ के समीप, डोंगरगढ़ के समीप, जहाँ पे हमारे साथ में माताएं बहनें यहाँ पे सफाई कर रहे थे, उसकी हम लोग अपनी श्रमदान के अकॉर्डिंग हम लोग मदद किए हैं। और उसके बाद मदद करने के बाद उन सभी को हमारे साथ में सदस्यता अभियान की प्रभारी आदरणीय सरिता भाभी के द्वारा उन सबको सम्मानित भी किया गया है। मैं सभी श्रमिकों को मैं बधाई देना चाहूँगा दिल से। स्वच्छता एक दिल से निकलता है और हर किसी के मन में होना चाहिए। हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे लोग स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा। मैं प्रेमचंद साहू, अध्यक्ष स्वच्छता ही सेवा समिति। स्वच्छता ही सेवा समिति के तत्वाधान में 199 सप्ताह चल रहा है ये हफ्ता, और हम लोग ने करेला भवानी मंदिर के प्रांगण में सीढ़ियों में स्वच्छता का अपना योगदान दिया। हमारे साथ पूरी सदस्यता कांग्रेस सदस्यता टीम है जिन्होंने साफ सफाई अपना कर्तव्य को निभाया, और हम चाहते हैं स्वच्छता हमेशा हर आदमी उससे जुड़े और अपना योगदान दे स्वच्छता के लिए। बहरहाल इस अवसर पर समिति सदस्यों के साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।